वेलकम बैक टू द सेम टॉपिक अगेन। देखिए, तो हमारा डिस्कशन क्या हुआ था भाई, 1 लाख रुपए जो हमें मिले थे वो तो हमें पैसा मिला। अब हमें ये देखना है कि करंट ईयर की इनकम क्या है। तो हमने क्या करा, जो चीज़ें करंट ईयर की इंक्लूड नहीं है इस अमाउंट में वो इंक्लूड करो। क्या क्या इंक्लूड नहीं है, जैसे कि जो पैसा अभी हमें मिलना बाकी है 20,000 रुपये, वो इंक्लूड नहीं था, वो हमने इंक्लूड करते प्लस करते। और जो पैसा पिछले साल मिला था, ठीक है, लेकिन बिलोंग करता है इस साल के लिए, तो वो हमने इंक्लूड कर दिया। जो चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं लेकिन इस साल से बिलोंग नहीं करती, उसे निकाल दो। जैसे कि ये पैसा 21-22 के लिए मिला हुआ है जो इसमें इंक्लूड था, वो हमने निकाल दिया। ये पैसा जो है 19-20 के लिए मिला हुआ है, 5,000 रुपये, इसको भी हमने निकाल दिया। अगर आपको ये चार चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो बस दैट्स इट, आप करंट ईयर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर इनकम। अब करंट ईयर इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर, इस साल हमें कितना पैसा मिला टोटल। वो पैसा किसी भी साल का हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें टोटल देखना है। ठीक है, टोटल को हाईलाइट कर लेना, टोटल पे लाल सितारे बना लो, ठीक है, कि टोटल अमाउंट देखना है हमने, हमें फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी साल का हो। इसके बाद आपने उसमें ऐड करनी है दो चीज़ें और लेस करनी है दो चीज़ें, ठीक है। और ऐड करना है सबसे पहले क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करना है ओपनिंग एडवांस, लेस करना है क्लोजिंग एडवांस। तो ये बन गया COOC, क्लोजिंग एडवांस। बस इतना कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, अब सर ये है क्या, ये वही है जो हमने अभी पढ़ा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अभी लेना है पैसा, लेना है, लेना बाकी है। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पता क्या होता है, ये वो होता आउटस्टैंडिंग है जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। इस साल का ओपनिंग का मतलब क्या होता है, ये पिछले साल का कोई लेना था पैसा जो हमने दिखाया कि भाई इस साल भी ओपनिंग में दिखाएंगे ना लेना है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, लिख रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। इसको हमने लेस क्यों करा, क्योंकि ये अगर आ चुका है हमारे पास तो वो इस साल से बिलोंग तो करता नहीं, ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, इसे हमने निकाल देना है। उसके बाद ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग एडवांस का मतलब हमें एडवांस ये पहले का भी मिला हुआ है, ठीक है। जब पुराना कोई एडवांस मिलता है, पिछले साल ही एडवांस था तो वो किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए, राइट। तो यहां लिखेंगे हम एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग एडवांस, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, इस साल के एंड पे जो हमारे लिए एडवांस है, मतलब वो इस साल से बिलोंग नहीं करता, एडवांस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर लिखते हैं, ठीक है, इसको सब्सिक्वेंट ईयर भी लिख सकते हैं। सब्सिक्वेंट ईयर मतलब ये पैसा जो है ये इस साल के लिए है ही नहीं, ये तो अगले साल के लिए, ये हमें पैसा मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड करंट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम। इस पे कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है।
तो आप लोगों को थोड़ा सा दुख होगा, मैं इस स्टेटमेंट को यूज नहीं करने वाला हूं। आप लोगों की नॉलेज के लिए ये स्टेटमेंट, ठीक है? हाँ, अगर कोई छोटा क्वेश्चन है यू कैन अप्लाई दिस, कोई छोटा क्वेश्चन है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पे एक आधे आइटम है। जहां पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वहां पे आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, काट देना है, आपने नहीं काटना, ठीक है? ये आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि बुक के अंदर गिवन है, मुझे कराना पड़ा बेसिकली। अब आपको करंट ईयर इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है उसका एक ऐसा तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिससे आपकी गलती होने के चांस हो जाते हैं इतने, ठीक है? अच्छा सॉरी, अभी जीरो अलग दिख रहा, तीन दिख रहा, ठीक है, जीरो इतने हो जाते। तो अब मुझे हमें यही करना है कि हमारी गलती बिल्कुल भी ना हो पाए, और उसी के लिए इस स्टेटमेंट को एक नया रूप दिया जाएगा। अब वो नया रूप क्या होता है वो देखिए। तो अब यहां पर हमने इनकम अकाउंट बनाना है। इनकम अकाउंट हमें बताएगा हमारी करंट ईयर की इनकम कितनी है, देखो कैसे, ठीक है? इट इज अ लेजर। देखिए सबसे पहली चीज, कोई भी पैसा, कोई भी इनकम रिसीव होती है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू इनकम, राइट? तो मतलब क्रेडिट आ जाता है, क्रेडिट पे एंट्री होगी बाय, ठीक है? अब यहाँ कैश की जगह हमने क्या लिखना है, इनकम अकाउंट में कैश की जगह क्या लिखना है, कितना पैसा आया, ये कहाँ से पता चलता है हमें? ये हमें बताता है रिसीट्स एंड पेमेंट। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बताएगा कि भाई इस साल आपको इतना पैसा मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो था ना, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ, इसको हम मान लेते हैं ए पा ए पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए। तो ये कह सकते हैं ये आ गया ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि आपको पूरे साल में कितना पैसा मिला है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, हमने इस अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। अब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हम कैसे, क्या क्या लिखने वाले हैं? अगर आपको किसी से कोई पैसा लेना है तो वो कौन सी साइड पे शो होता है, डेबिट साइड, ये सबको पता है ना? और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, है ना भाई, जो पैसा हमने लेना था, ठीक है? अगर एंड में भी आपने कोई पैसा किसी से लेना है तो वो यहाँ आ जाएगा भाई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा क्रेडिट पे, ठीक है? ये पैसा साल के एंड पर लेना है, ये पैसा साल के शुरू पे लेना था, ठीक है? अब अगर आपको किसी ने एडवांस दिया हुआ है तो वो आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज कहां पर आती है, क्रेडिट साइड पे, है ना भाई? तो अगर आपको किसी ने एडवांस दिया हुआ था तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, ओपनिंग एडवांस, और उसका क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा अगर साल के एंड पे भी कोई एडवांस है तो, ठीक है? आप ध्यान से देखिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम, अच्छा अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बी हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सी हो गया, है ना भाई? तो ये हो गया सी, ये हो गया बी, ठीक है? ओपनिंग एडवांस डी हो गया और क्लोजिंग एडवांस ई हो गया, तो ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है? अगर आप करंट ईयर इनकम की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ए प्लस बी प्लस डी माइनस सी माइनस ई, यही तो होगा, है ना भाई? ए प्लस बी प्लस डी माइनस ई माइनस सी माइनस ई, आप ध्यान से देखिए, ए प्लस डी बी प्लस डी माइनस सी माइनस ई, द बैलेंसिंग फिगर विल बी योर करंट ईयर इनकम। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस विल बी योर करंट ईयर इनकम। सर आपने तो स्टेटमेंट को सिर्फ एक लेजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा है, इससे गलती होने ना होने का क्या रिलेशन है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ये बता दूंगा, फटाफट आप इसको नोट कर लो एक बार। तो ये दोनों मैंने कंपैरिजन में आपके सामने कर दिए हैं, ठीक है? यहाँ पर जो करंट ईयर इनकम आएगी, जनरली जब आप बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट योर करंट ईयर इनकम। इसमें कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लो, देखो कोई डाउट है, आप भी इसको ऐसे ही नोट करिए, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी डी एंड ई। तो हमारी करंट ईयर इनकम क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस डी माइनस सी माइनस ई, तो यहाँ पर भी यही है हमारा, हमारी करंट इनकम इस तरीके से आ जाएगी, क्लियर है?
चल सकते हैं अब हम आगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखिए, शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ फॉर 2021। 2021 का मतलब क्या है, जो साल हमारा खत्म होता है 31 मार्च 2021। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2021, 2021 में टोटल जो पैसा आया वो आया 10 लाख। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 ये था 60,000, जो इस साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो था 40,000। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप अकाउंट बनाए तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए देखिए, तो हमारे पास ये है सपोज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, कौन से साल का, 31 मार्च 2021 का। अभी मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी 31 मार्च 2021 का है, और ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है जी, अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या कहती है, इंफॉर्मेशन कहती है कि भाई 10 लाख रुपए हमें इस साल सब्सक्रिप्शन के मिले। तो पैसा आया, पैसा आया तो वो कहां पर आएगा, रिसीट्स में, यहां आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन 10 लाख। अब ये पैसा आया 10 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, तो हमने क्या करा, यहां पर दिखा दिया अपनी इनकम के अंदर कि 10 लाख रुपए आया है। लेकिन ये 10 लाख अभी इनकम, फाइनल इनकम नहीं है, अभी इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। या तो आप एक वर्किंग नोट बना लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि दो ही चीजें हैं, दो चीजें हैं तो हम सेपरेट वर्किंग नोट नहीं बनाते। अब आपको ये तो पता है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एड हो जाता है इस साल के एंड पे, जो आउटस्टैंडिंग है वो एड होता है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये रहा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एड हो जाता है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाता है ना भाई, थिंक गलत हो गया, ये तो दिख ही नहीं रहा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम यहां पर हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, दैट वाज 50,000, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे। जैसे ही हमने क्लोजिंग ऐड करा और ओपनिंग लेस करा, 60,000 था यहाँ पे और यहाँ 40,000 था, तो हमारे पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आ गई, दैट इज माय करंट ईयर इनकम 10,20,000। ठीक है, इसमें कोई डाउट था पहले आप पूछ। नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, अगर आपने किससे पैसा लेना है तो बैलेंस शीट में आएगा ना। तो देखिए 31 मार्च 2021 की ये बैलेंस शीट है, इस साल हमने कितना पैसा लेना है अभी, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग वन, 60,000 रुपये, ये बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बैलेंस शीट बनाते पिछले साल की भी, कई बार जरूरत पड़ जाती है बैलेंस शीट बनानी पड़ती है 31 मार्च 2020 की, तो उसके अंदर एसेट्स के अंदर हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट वाज 40,000। इसमें कोई डाउट है तो यू में आंसर नोट कर लो इसको फटाफट, और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर माइक ऑफ है आपका। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है 2021 और 2020 का, मतलब ये हुआ करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग, ये प्रीवियस ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2021 20,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2020 दिस इज 10,000।
अब हमने इसको ट्रीट करना है। वैसे तो आप ये समझ ही गए होंगे इनका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बताओ भाई। दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दिस इज क्लोजिंग एडवांस, दिस इज ओपनिंग एडवांस। ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसके अंदर आप अकाउंट बनाओ या प्लस माइनस करके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बताओ भाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस माइनस फटाफट बताइए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज, फटाफट आंसर दीजिए। प्लस प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस माइनस माइनस। जिन दो लोगों ने आंसर दे दिया वो चुप रहेंगे। अब क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस फटाफट आंसर दीजिए। माइनस माइनस, जिसने आंसर दिया वो चुप रहेगा। ओपनिंग एडवांस प्लस प्लस, ठीक है। तो आगे आंसर, यू विल गेट योर करंट ईयर इनकम। अब हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा 2021 का अकाउंट है, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है एंड दिस इज इनकम साइड। तो अब यहाँ पर आप वर्किंग कर लेते, क्योंकि इतनी सारी चीजों को हम प्लस माइनस करते हुए करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था दैट वॉज 4,80,000, 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस, सॉरी ओपनिंग एडवांस एड और क्लोजिंग एडवांस लेस हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें लेस हो रही है वो क्यों लेस हो रही है, बिकॉज वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती। तो 1,00,000 और 10,000 ऐड होगा, 1,00,000 और 10,000 यहां पर ऐड हो गया, एंड 80,000 और 20,000 लेस हो जाएगा, 80,000 और 20,000 यहां पर लेस हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी करंट ईयर इनकम, मतलब करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम, जो प्योरली करंट ईयर से बिलोंग करती है। दिस इज 5,90,000 माइनस 1,00,000, तो ये आ जाएगा 4,90,000। ठीक है, अब हमने इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, जो मेरी करंट ईयर की इनकम है उसको हम यहां शो कर देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। वर्किंग नोट नंबर 1 का हम रेफरेंस देंगे, 4,90,000 ये मेरी करंट ईयर इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गई। इसके बाद ये जो दो है, ये बैलेंस शीट है, ये है 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट, और कई बार क्वेश्चन में हमें 31 मार्च 2020 मतलब प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देखिए, एसेट्स लायबिलिटीज, देखिए सबसे पहले 31 मार्च 2021 की जो फिगर्स है वो लिख लेते हैं। क्या क्या है था 31 मार्च 2021 को, इतना पैसा आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये लेना है 1,00,000, और 31 मार्च 2021 को एडवांस 20,000 आया हुआ है। तो 1,00,000 तो लेना है वो एसेट में आएगा, और जो एडवांस आया हुआ है, कभी भी कोई पैसा एडवांस आया होता तो उसको हम लायबिलिटी में शो करते हैं। यहां पर आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये पैसा हमने अभी लेना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है, इसको आप सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी लिख सकते हो। 31 मार्च 2020 में भी सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, जो पैसा लेना है एडवांस सब्सक्रिप्शन, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 80,000 था जो लेना था, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो था हमारा 10,000, वो यहां पर है। इसमें कोई डाउट है तो यू में आंसर।